नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों, आज भी आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग आईपीएल की अपडेट्स आ रही है, तो भाई वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले आईपीएल के फैन हो, सबसे पहले सब्सक्राइब याद से करके रख लीजिए। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है चेन्नई और आरसीबी का। भाई ये नॉकआउट मुकाबला है, तो इस मुकाबले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भाई इस मुकाबले में बारिश की आशंका है, यानी कि चेन्नई वर्सेस आरसीबी के मैच में जो है बारिश हो सकती है। भाई वॉशआउट भी हो सकता है या फिर बारिश लगातार मैच के दौरान हो सकती है। रेन के बहुत ही हाई चांस है इस मैच के अंदर। सेकंड बात, अगर मैच होता है तब आरसीबी की टीम को क्वालिफाई करने को लेके क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आरसीबी की टीम अगर बैटिंग करती है तब उनको बॉलिंग में जो है ना 18 रन से ज़्यादा डिफेंड करना पड़ेगा, यानी कि 18 रन से ज़्यादा से मार्जिन से जो है चेन्नई की टीम को हराना होगा। अगर आरसीबी की टीम बैटिंग करती है तब आरसीबी को टारगेट जो है 18.1 बॉल के अंदर टारगेट चेस करना होगा, तब जाके आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर पाएगी, वरना आरसीबी की टीम डायरेक्टली बाहर हो जाएगी प्ले ऑफ की रेस से। ठीक है दोस्तों, सेकंड अपडेट ये आ रही है हमारे टीम इंडिया के हेड कोच को लेके। देखिए दोस्तों, जो होती है अपनी बोर्ड बीसीसीआई ने नए हेड कोच के लेके एप्लीकेशन जारी कर दी है, जिसको लेके जो बीसीसीआई के रेडार है इसके अंदर एक रिकी पोंटिंग और सेकंड स्टीफन फ्लेमिंग, ये दो जो दिग्गज जो है फिलहाल बीसीसीआई के रेडार में है कि ये दोनों को नया हेड कोच बनाया जाए या फिर दोनों में से किसी एक को नया हेड कोच बनाया जाए। अब देखते हैं क्या पोंटिंग और फ्लेमिंग हेड कोच के लिए अप्लाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले, अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट क्रिकेट की आईपीएल की अपडेट सबसे पहले चाहिए तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखना है। ज्वाइन कैसे करोगे, मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया है, क्लिक करो भाई, ज्वाइन करो, एकदम फ्री है। या फिर आप लोग आप टेलीग्राम के ऐप पर जाओ, ऊपर सर्च कर लीजिए क्रिकेट विद पवन और उसको याद से ज्वाइन करके रख लीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के कुछ नए न्यूज़ की, नए अपडेट्स की। सबसे पहली बात, सेमीफाइनल वन में अगर बारिश आ जाएगी तब उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। ठीक है, अगर सेमीफाइनल टू में बारिश आ जाएगी तो उसके लिए रिजर्व डे नहीं है। जी हाँ भाई, सिर्फ सेमीफाइनल वन के लिए रिजर्व डे है, सेमीफाइनल टू के लिए रिजर्व डे रखा नहीं गया है। अब ऐसे में होगा क्या, अगर सेकेंड सेमीफाइनल में बारिश आ गई तब कौन क्वालिफाई करेगा? जो भी टीम सुपर एट के स्टेज में सबसे नंबर वन, सबसे टॉप पे रहेगी, वो टीम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल में, अगर सेमीफाइनल सेकेंड वॉश आउट होता है तो। दोस्तों एट दी एंड बात करते हैं वुमेन टेस्ट क्रिकेट की। तो भाई देखिए, इंडिया वुमेन वर्सेस अफ्रीका वुमेन के बीच में जो है टेस्ट मैच होने वाला है चेपॉक के मैदान में। ठीक है दोस्तों, ये थी भाई सारी अपडेट्स, मैंने आप सभी के सामने रख दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।